बहुत खूबसूरत है। क्या कीमत है इसकी? 15,000। बहुत कीमती फोन है भाई साहब, ये कोई मामूली टेलीफोन नहीं है। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है इसमें? हाँ, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिससे मैंने ये खरीदा वो कह रहा था कि इस फोन में एक शक्ति है। शक्ति? ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो बेचने वाले ने कहा, वही मैं आपसे कह रहा हूं। बोलिए, 10,000 दो इस फोन के। देखिए साहब, मैं कभी अपने किसी कस्टमर को नाराज नहीं करता, जो आपकी मर्जी। तो सौदा तय हुआ। थैंक यू। एक्चुअली मेरे डैड को पुरानी चीजों का बहुत शौक है, इसलिए खरीद रहा हूं। वरना इस फोन की वैल्यू ही क्या है? कहिए माता जी, क्या कहना चाहते हैं आप? खुराना साहब, आपने राजीव को काफी ढील दे रखी है, उस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। मैदा जी, आप तो जानते हैं कि राजीव मेरा इकलौता बेटा है, भले ही सगा नहीं है तो क्या हुआ, सगे से ज्यादा प्यार करता हूं उसे मैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे छूट दे दें। आजकल वो हर दूसरे दिन कैशियर से पैसे लेके जाता रहा है। पिछले 3-4 दिनों से मैंने कैशियर को उसे पैसे देने से मना कर दिया है। मेहता जी, मैं तो उसे जेब खर्चे का पूरा पैसा देता हूं, फिर उसे कैशियर से पैसा लेने की क्या जरूरत है? खुराना साहब, आजकल उसकी आदतें बहुत बिगड़ चुकी हैं। जुए में वो हजारों रुपए हार चुका है। क्या वो जुआ खेलता है? जी हाँ, और यही नहीं, वो एक बच्चेलन लड़की के चक्कर में फंस चुका है, जिसपे हजारों रुपए लुटा चुका है। खुरान साहब, अगर इस वक्त उस पर काबू ना किया गया तो आगे चल के पछताना पड़ेगा, क्योंकि उस लड़की की नीयत ठीक नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राजीव। दुनिया में किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी से इतना प्यार नहीं किया होगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे तुम पर अफसोस होता है। क्यों? तुम इतने बड़े बाप के बेटे हो, लेकिन पैसे पैसे के लिए मोहताज हो। मैं मोहताज नहीं हूं। डैडी मुझे खर्चे के लिए हर महीने 25,000 रुपए देते हैं, और क्या चाहिए मुझे? तुम्हारे डैडी के पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन तुम्हें हर महीने गिन गिन के सिर्फ 25,000 रुपए दिए जाते हैं। अब कल ही तुम्हारे रुपए खत्म हो गए, तुमने उनसे और रुपए मांगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि पहली तारीख को दूंगा, जैसे कि तुम कोई सैलरी जॉब पे हो। ये तुम्हारी बेइज्जती नहीं तो और क्या है? मुझे तो लगता है तुम्हारे डैड अपनी दौलत तुम्हें देना ही नहीं चाहते। सारी दौलत तुम्हारी है राजीव, तुम जब चाहो जैसे चाहो खर्च सकते हो। क्या करूं? क्या करूं? अरे मेरे को इनका बिजनेस तो संभालता हूं नहीं, बैठे बिठाए के मुझे 25,000 रुपए मिल जाते हैं खर्चा करने के लिए हर महीने, जबकि मैं उनका सगा बेटा भी नहीं हूं। अरे सौतेले औलाद के लिए कोई इतना करता है भला? सौतेले हुए तो क्या हुआ, वो तो तुम्हें अपना बेटा ही मानते हैं। और वैसे भी उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। मरने के बाद ना, अभी तो नहीं। क्यों, किसी को मारने में कितना वक्त लगता है? हटा दो रास्ते से उस बेटे को। नहीं, नहीं, ये तो गलत बात है। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों, मौत तो हर किसी को आनी है, हर आदमी को कभी ना कभी मरना तो है ही। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे डैडी अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर जाए और तुम्हें फुटपाथ पर आना पड़े। डैडी ऐसा नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो? अगर मुझे शक भी हुआ कि डैडी मुझे प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं हर हाल में प्रॉपर्टी लेकर आऊंगा।
वाह बरखुरदार वाह, आज वक्त से पहले ही आ गए। डैड आपके लिए फोन लेकर आया हूँ, उसी को लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए देखिए ना, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। एक्सलेंट, बिल्कुल मेरी पसंद का एंटीक पीस। यहाँ एक मूर्ति रखी थी, कहाँ गई? मूर्ति? कौन सी मूर्ति डैड? कौन सी? यहाँ एक कीमती एंटीक पीस रखा था। डैड यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं थी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम जानबूझकर अनजान बन रहे हो। सच बताओ कि वो मूर्ति कहाँ गई? मुझे नहीं पता डैड। सुबह तो यही थी, अचानक कहां गायब हो गई? बोलो, बोलते क्यों नहीं? और मैंने तुम्हें फोन के लिए इतने रुपए भी नहीं दिए थे, फिर इतना कीमती फोन उठा के कहां से ले आए? जवाब दो, जवाब क्यों नहीं देते हो? मैंने वो मूर्ति बेच डाली। बेच डाली? तुमने वो मूर्ति बेच डाली? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे एंटीक पीसेस का कितना शौक है। एक एक पीस मैंने कितनी मुश्किल से जमा किया था और तुमने उसे बेच डाला। और इतने गिरे हुए आदमी को मुझे तुमसे बात करते हुए भी शर्म आ रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि तुमने वो मूर्ति क्यों बेची? तुम्हें क्या करूं? क्या करूं मैं? मैंने सुबह उसके पैसे मांगे थे, मांगे थे ना पैसे, आपने पैसे नहीं दिए इसलिए बेच डाली मैंने मूर्ति। पैसों की ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी? मुझे किसी को पैसे देने थे। किसको देने थे तुम्हें पैसे? उधार लिए थे किसी से मैंने। उधार नहीं लिए थे तुमने, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मेहता जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हें जुआ खेलने की आदत पड़ गई है, सॉरी बन गया तुम। डैड वो मेहता झूठ बोलता है, सारी दुनिया झूठ बोलती है, तुम ही एक सच्चे हो। आज के बाद मैं तुम्हें एक रुपया खर्चने के लिए नहीं दूंगा, ना ही तुम्हारे पास पैसे होंगे और ना ही तुम्हें जुआ खेलने की आदत पड़ेगी। बस डैडी बस, बहुत हो गया। आपने तो अपनी जवानी में बहुत आश कर ली, मैं क्यों ना करूं? और जुआ खेल में बुराई क्या है? इतनी दौलत ना करेंगे क्या आप? मरने के बाद सारी दौलत अपनी चिता पे लेके जाएंगे? अपने बाप से इस तरह बात करता है? लोग अपने बाप के लिए तूने चिता में पहुंचा और वो भी चंद रुपयों के लिए? अरे इतनी दौलत का फायदा क्या है मुझे? छोटे दिल के हैं आप, यार छोटे दिल के हैं, मुझे दिल खोल के पैसा खर्चा करने नहीं देते आप। सौतेला इसलिए ना? हाँ तो सौतेला है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। क्या करेगा तू? नहीं रहेगा इस घर में, मत रहे इस घर में, निकल जा। मुझे भी तेरे जैसी बेटे की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको आपको मेरी जरूरत नहीं है? मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं? हाँ चला जा, मैं तुझे अपने रिश्ते से, अपनी जिंदगी से, अपनी दौलत से बेदखल करता हूं। सोच लेना कि तेरा बाप मर गया है। वकील साहब, मैं खुराना बोल रहा हूं, मैं अभी और इसी वक्त आपके पास आ रहा हूं। मुझे अपनी वसीयत बदलनी है, अभी और इसी वक्त। वजह वजह मैं आपको वहीं आकर बताऊंगा, लेकिन इतना याद रखिएगा, वसीयत आज के आज ही बनेगी। मैं
अपने बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा हूं। सारी जायदाद यतीमों के नाम कर दूंगा। कल मैं पूना जा रहा हूं और पूना जाने से पहले मैं अपनी वसीयत पर सिग्नेचर करके जाऊंगा। क्या कहा था मैंने? लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। अगर तुम उनके सौतेले बेटे ना होते तो क्या ये हरकत करते वो तुम्हारे साथ? तुम ठीक कह रही हो मोनिका। अब वो प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं, किसी और की होगी। दो बातें अच्छी तरह से समझ लो तुम। एक, तुम फुटपाथ पे आ गए, और दूसरा, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की हूं राजीव। सिर्फ प्यार की खातिर मैंने तुम्हारा हाथ नहीं थामा था, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं। नौकरी तो तुम करोगे नहीं और दौलत तुम्हारे पास रही नहीं। एक बात तो बताओ राजीव, शादी के बाद हम लोग रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? अब उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? तुम अपने डैडी को मार डालो। डैडी को मार डालो? हाँ, और क्या। और वैसे भी इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? उन्होंने तुमसे कहा ना कि वो तुम्हारे लिए मर चुके हैं। ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इससे पहले कि वो अपनी वसीयत बनाए, तुम्हें उनका काम तमाम करना होगा। पूना से आ जाए, इसके बाद उनका काम तमाम कर दूंगा। छोटे मालिक आप? हाँ। माफ करना छोटे मालिक, बड़े मालिक ने आपको अंदर आने के लिए मना किया है। क्या मालिक तू है कि मैं हूं? मेरा घर है मेरा, मैं कभी भी इधर आऊं और कभी भी बाहर जाऊं। रोकने वाला नौकर होकर मेरे मुंह लगता है। यार आपका चमचा मेरे को घर आने से मेरा घर मुझे रोकता है।
वाले हैं।